हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़े मायने रखते हैं। मित्र वो जो हमारा हित चाहे, जो हमारे सुख दुख में हमारी सहायता करे, हमारा साथ दे। कुछ मित्र जन्म से होते हैं, कुछ मित्र हम स्वयं बनाते हैं, कुछ मित्र परिवार में मिल जाते हैं, तो कुछ मित्र जीवन की यात्रा में। परंतु शत्रु हमें जीवन में कभी भी मिल जाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि वास्तविकता में आपका सबसे बड़ा शत्रु है कौन? आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके भीतर छिपा बैठा है, और वो है आपका क्रोध। आप जिनसे रुष्ट होते हैं, उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। परंतु तनिक शांत मन से सोचिए, जिन्हें आप हानि पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा करने से पूर्व आप स्वयं भीतर से जलते हैं। क्रोध एक सुलगते हुए अंगारे के समान होता है, जिससे आप अपने शत्रु को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। परंतु ऐसा करने से पूर्व आपको स्वयं उस सुलगते हुए अंगारे को उठाना पड़ता है, और शत्रु से पहले स्वयं को जलना पड़ता है, उसकी पीड़ा सहनी पड़ती है। तो यदि आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति पानी है, तो पहले आप स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए। आप सब ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए, सुनी है ना? और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा, जहां छल हो रहा, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही ना से, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। धारा हो या वेगवती नदी या महासागर, यदि उसे पार करना है तो उसमें उतरना ही होगा। केवल बाहर बैठकर उसे निहारने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि नाव ना हो तो लहरों से लड़ना होता है, धारा से टकराना होता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उभरना होता है। यही जीवन है। ठीक इसी धारा, नदी, महासागर की भांति हमारे जीवन में हमारे समक्ष संघर्ष आकर खड़ा हो जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि इससे पार कैसे पाएं। हम सोचते हैं कि ये स्वयं समाप्त हो जाए, परंतु संघर्ष या संकट स्वयं समाप्त नहीं होते, उन्हें समाप्त करने के लिए उनसे जूझना पड़ता है। इसलिए संघर्ष से बचना श्रेयस्कर नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको संघर्ष का सामना करना होगा। आपके मौन रहने से संघर्ष हटे या ना हटे, परंतु आपका विकास अवश्य अवरुद्ध हो जाएगा। समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं। जब गर्मियां होती हैं तो हम उलाना करते हैं कि बड़ी गर्मी है, बारिशें कब आएं? और जब बारिश आती है तब हम कहते हैं कि बड़ा चिपचिप, सर्दियां कब आएंगी? और जब सर्दियां आती हैं तब हम गर्मी की प्रतीक्षा करने लगते हैं, और इसी कारण
हम किसी भी ऋतु का आनंद नहीं उठा पाते। कल क्या होगा इसके विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ करना बंद कीजिए। ऋतुओं पर आपका कोई वश नहीं, परंतु आज के अभी के इस पल पर, इस क्षण पर आपका वश तो है। उसे जीना सीखिए, उसका आनंद उठाना सीखिए।